बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह पाक ने हमें बेशुमार नेमतें अता फरमाई है, वही पाक परवरदिगार हमें बेहिसाब और बिन मांगी भी देता है। वो हर लम्हे अपनी रहमतों और बरकतों से हमें नवाजता रहता है। हम उस पाक जात का जितना शुक्र अदा करें कम है। अगर हम एक पल के लिए इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो हर तरफ अल्लाह पाक की रहमतें और नेमतें ही नज़र आएगी। सेहत, इल्म, दौलत, घर, शान व शौकत, औलाद और रिश्ते नाते, ये सब हमारे लिए अहमियत रखते हैं और ये हमारे लिए नेमतें हैं। इनमें से सबसे प्यारी नेमत औलाद है, जो पाक परवरदिगार की खास अता है। अल्लाह पाक ने औलाद में दो दर्जे रखे हैं, उनमें से एक नेमत और दूसरा रहमत है। यानी बेटा अल्लाह ताला की नेमत है और बेटी अल्लाह ताला की रहमत है। अल्लाह पाक जिसे चाहता है नेमत से नवाजता है और जिसे चाहता है रहमत से नवाजता है, और जिसे चाहता है ये दोनों अता फरमा देता है और किसी को उन दोनों में से कुछ भी नहीं देता। ये भी अल्लाह पाक की ज़ात की हिकमत अमली है। कुरान मजीद में अल्लाह पाक का अर्शाद ग्रामी है, لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير। तर्जमा, आसमान और जमीन की बादशाहत अल्लाह ही के लिए है। वो जो चाहता है पैदा करता है, जिसे चाहता है बेटियां देता है और जिसे चाहता है बेटे देता है, या उनको बेटे और बेटियां दोनों अनायत फरमा देता है, और जिसे चाहता है बे औलाद रखता है, वही जानने वाला और कुदरत वाला है। अब जबकि खुद अल्लाह पाक ने फरमा दिया है कि इस फैसले का इख्तियार अल्लाह के पास है, तो अफसोस का मुकाम ये है कि हमारे माशरे में इस बात की फरमाइश और अर्दू की जाती है कि पहले बेटा पैदा हो और बेटी की पैदाइश पर मुंह बना लिया जाता है। मोहतरम सामीन, लड़कियां और लड़के दोनों अल्लाह की नेमत है। लड़के और लड़कियां दोनों की ज़रूरत है। औरतें मर्द की मोहताज है और मर्द औरतों की मोहताज। अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत बालगा से दुनिया में ऐसा निज़ाम कायम किया है कि जिसमें दोनों की ज़रूरत है और दोनों एक दूसरे के मोहताज हैं। अफसोस का मुकाम तो यह है कि जिस घर में एक से ज़्यादा बेटियां पैदा हो तो उन बेटियों की माँ के साथ रवैयों में तब्दीली आ जाती है और बाद दूसरी शादी, तशद्दुद और तलाक तक पहुँच जाती है कि तुमने बेटियां क्यों पैदा की। जब खुद अल्लाह पाक ने इस बारे में कुरान पाक में अर्शाद फरमाया है तो फिर ये जहालत क्यों? ऐसे जहालत तो हमारे माशरे में आम है, लेकिन इससे भी ज़्यादा भयानक शक्लें हमारे माशरे में मौजूद है, जो इस्लाम से कबल अरब माशरे की जहालत में थी, जिसमें बेटी पैदा होने पर उसे जिंदा दफन कर दिया जाता था। जब अरब की जहालत के अंधेरे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर मुबारक से माजी का हिस्सा बन गए और हर तरफ इस्लाम की रोशनी फैल गई और ऐसी रस्मवाद भी दम तोड़ गई। उस जमाने की जहालत और आज की जहालत को देखा जाए तो इसमें कोई फ़र्क नहीं। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली। अल्ट्रासाउंड जो इंसान के अंदरूनी बीमारी औरत के पेट में बच्चे का सूरत हाल बता सकता है, इसके ईजाद करने का मकसद तो मुस्बत था कि किसी भी हमला औरत के पेट में बच्चे का सूरत हाल का जायज़ा लेकर बर वक्त इलाज किया जा सके। लेकिन इसका इस्तेमाल भी गलत किया जा रहा है। डॉक्टर के इतरार पर अल्ट्रासाउंड के जरिए बता देते हैं कि हमला औरत के पेट में बेटा है या बेटी। जिनके यहाँ पहले से 3-4 बेटियाँ होती है वो इस्तेहकात हमल करवा करके बच्चे को ज़ाया करवा देते हैं। बेटी को पैदाइश के बाद जिंदा दफन करने वाले और बेटी को पैदाइश से पहले मारने वाले दोनों जहल में बराबर हैं, जिसकी वजह से वो अपने आखिरत को बर्बाद कर देते हैं। अहादीस, एक मर्तबा एक बुद्धू ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बेटी के जिंदा दफनाने का वाक्या सुनाया
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غمگین ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت مبارک ہوتی ہے جس کی پہلی اولاد بیٹی ہو۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، جس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے تین بیٹیوں یا تین بہنوں کی پرورش کی وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے قریب ہوں گے جیسے میری درمیان والی دونوں انگلیاں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں انگلیاں ملا کر بھی دکھایا۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، کسی کی دو بیٹیاں ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بھی میرے ساتھ جنت میں دونوں انگلیوں کے برابر نزدیک ہوگا۔ حتیٰ کہ آپ نے تو ایک بیٹی کے بارے میں بھی یہی فرمایا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹیاں جہنم کی آگ سے والدین کے لیے آڑ بن جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی، اس کے ساتھ دو بیٹیاں تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو تین کھجوریں دے دی۔ اس عورت نے ایک ایک کھجور تو اپنی دونوں بیٹیوں کو دے دی اور تیسری کھجور خود کھانا چاہتی تھی، لیکن بیٹیوں نے وہ بھی مانگ لی۔ اس عورت نے اس کھجور کے دو ٹکڑے کر کے وہ بھی ادھی ادھی ان دونوں بیٹیوں کو دے دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عورت کو جہنم سے آزاد کر لیا گیا اور اس پر جنت واجب ہو چکی ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی غور طلب ہے کہ جس کی اولاد چھوٹے معصوم بچوں کی صورت میں فوت ہو جائے تو وہ قیامت کے دن اپنے ماں باپ کو دوزخ کی آگ سے بچائیں گے اور اپنے والدین کو جنت میں لے جائیں گے، لیکن جنہوں نے اولاد کو خود قتل کیا ہو، چاہے پیدائش سے پہلے یا پیدائش سے بعد، تو وہ بچے سوال کریں گے کہ ہمارا کیا قصور تھا، ہمیں کیوں مارا گیا، کہ ہم بیٹیاں تھیں، بیٹے نہیں تھے؟ پھر اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ مندرجہ بالا احادیث سے معلوم ہوا کہ لڑکیوں کو شریعت اسلامیہ کے مطابق تعلیم و تربیت، پھر ان کی شادی کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تین فضیلتیں حاصل ہوں گی۔ نمبر ایک، جہنم سے چھٹکارا۔ نمبر دو، جنت میں داخلہ۔ اور نمبر تین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہمراہی۔ محترم سامعین، اولاد اللہ پاک کی خاص عنایت ہے، چاہے وہ نعمت ہو یا رحمت، ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔